एग्जाम्पल, एम सैति का एक कण, ए तथा स्मॉल बी स्वाभाविक लंबाई वाली प्रत्यास्थ डोरियों से किसी चिकने समतल के क्रमशः दो बिंदुओं ए तथा बी से बांध दिया जाता है। बिंदु ए तथा बिंदु बी परस्पर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी दूरी पर हैं। कण को बी पर पकड़कर छोड़ दिया जाता है। सिद्ध करो कि कण बी ब्रैकेट्स रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट बंद अपॉन रूट ए दूरी में होकर पाई ब्रैकेट रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट बंद रूट एम अपॉन लेमडा समय में दोलन करेगा, जहां लेमडा प्रत्यास्थ मापांक है डोरी का तथा ए इज ग्रेटर देन बी है। स्मॉल ए जो दूरी है, एक जो डोरी है उसकी लंबाई दूसरी डोरी से लंबाई में ज़्यादा है। माना स्मॉल ए लंबाई वाली डोरी ओ ए है और स्मॉल बी लंबाई वाली डोरी ओ बी है। अब कण का जिसका द्रव्यमान एम दे रखा है, उसको दोनों जो सिरे हैं ओ ए डोरी का ओ सिरा, ओ बी डोरी का बी सिरा, ओ सिरे के ऊपर बांध दिया जाता है। ए और बी सिरे स्थिर बिंदु हैं समतल के ऊपर, और अब कण को ओ बिंदु से पकड़ कर और जब बी बिंदु तक ले जाया जाता है और फिर वहाँ से इसको छोड़ दिया जाता है। प्रारंभ में कण का वेग बी बिंदु पर जीरो है तथा ए से बी तक डोरी की स्वाभाविक लंबाई में है। ए से बी दोनों ही डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई में हैं। जब कण को बी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है, तब माना कण किसी समय टी पर बिंदु पी पर पहुंचता है, जहां ओ पी बराबर एक्स। यहां से चल कर के कण किसी समय टी पर इस बिंदु पर पहुंचता है जिसको हमने पी कहा है और जहां पर ओ पी बराबर एक्स है। कण पर तनाव बल ओ ए दिशा में होगा। कण पर यहां पर जब है तो कण पर तनाव बल जो है ओ ए दिशा में होगा तथा ओ ए डोरी में प्रसार के कारण से होगा, क्योंकि जैसे ही ओ से हम इधर कण को पकड़ के ले जाएंगे ओ बी डोरी ढीली इकट्ठी होती जाएगी, परंतु ओ ए डोरी में प्रसार चालू हो जाएगा। इसलिए कण के ऊपर तनाव बल इस स्थिति के अंदर इधर लगेगा, ओ ए दिशा में लगेगा, और यह है विस्तार एक्स के कारण। ओ ए डोरी में विस्तार इस समय एक्स है, उसके कारण से उत्पन्न होगा। अतः कण की गति का समीकरण एम एक्स डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा इंटू एक्स अपॉन ए, जहाँ एक्स डोरी में विस्तार है और ए ओ ए डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। इस स्थिति में जब कण ओ पर पहुँचता है, ओ बी डोरी ढीली रहेगी, जिसमें तब तक जब तक कण यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचता है ओ बी डोरी ढीली रहेगी और ओ ए में तनाव बल रहेगा, जिसमें तनाव बल शून्य होगा, ओ बी डोरी ढीली रहेगी और इसके कारण से ओ बी डोरी में तनाव बल शून्य रहेगा। इसको हमने थोड़ा आगे किया, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन एम ए, एम का भाग लगा दिया एक्स, और इस लेमडा अपॉन एम ए को हमने म्यू कह दिया, और इस प्रकार से हमारे पास कण की गति का समीकरण आ गया एक्स डबल डॉट बराबर माइनस का म्यू एक्स। और ये एक जिसको एक नंबर कह दिया, ये एक सरल आवर्त गति का समीकरण है, परंतु जैसे ही कण ओ पर पहुंचता है डोरी ए में विस्तार शून्य हो जाएगा, परंतु कण ए पर ओ ए दिशा में कण का वेग वी जीरो मान लिया हमने, ओ बिंदु पर पहुंचेगा तो उसका वेग वी जीरो मान लिया हमने होगा, जिसके कारण से कण ए की तरफ बढ़ेगा। अब चूंकि यहाँ पहुंच गया और इसका इस दिशा में वेग है और इस वेग के कारण से कण इधर बढ़ना प्रारंभ करेगा, ए की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेगा, लेकिन जैसे जैसे ए की तरफ बढ़ेगा वैसे ही डोरी ओ बी में प्रसार चालू हो जाएगा, और जैसे ही ओ बी डोरी में प्रसार चालू हो जाएगा उसमें तनाव बल चालू हो जाएगा, परंतु तनाव बल ओ की तरफ लगेगा, बी की तरफ लगेगा, ओ की तरफ लगेगा, ओ बी की तरफ लगेगा, कैसे भी कह सकते हैं हम। और जैसे जैसे कण ए की तरफ बढ़ता है तनाव बल उल्टी दिशा में चालू हो जाता है, जो प्रतिरोध का काम करता है, और इस प्रकार से जैसे जैसे दूर जाएगा तनाव बल बढ़ता जाएगा और एक बिंदु सी ऐसा आएगा जिस पर आकर के कण का वेग शून्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ बी में विस्तार प्रारंभ हो जाएगा जिसके कारण, और ओ ए डोरी ढीली हो जाएगी जिसके कारण डोरी ओ बी में तनाव बल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, जो प्रतिरोध का कार्य करेगा, जिससे कण का एक बिंदु माना ए डैश पर पहुंचते पहुंचते वेग शून्य हो जाएगा। इसको मैं ए डैश बिंदु कह दूं, यहां देखिए दोबारा इसको मैंने ए डैश बिंदु कह दिया, तो ए डैश बिंदु पर आते आते कण का वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसको हटा देते हैं इसी बिंदु को, और इस बिंदु पर आते आते इसका वेग शून्य हो जाएगा। अब जब इसका वेग शून्य हो जाएगा तो कण वापस चलेगा,
माना किसी समय टी पर कण क्यू बिंदु पर पहुंचता है, यहाँ से चल करके जब वापस आ जाएगा तो मान लिया किसी समय टी के ऊपर ये इस क्यू बिंदु पर पहुंचता है जहाँ ओ क्यू बराबर वाई है, जहाँ ओ क्यू बराबर वाई, तो कण की गति का समीकरण। अब इस पोजिशन में जो कण की गति का जो समीकरण बनेगा वो देखिए, एम वाई डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा इंटू वाई अपॉन बी। वाई ओबी डोरी में विस्तार है, ओबी डोरी के स्वाभाविक लंबाई बी है, इसलिए एम वाई डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा वाई अपॉन बी। एम का भाग लगा दिया तो वाई डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा अपॉन एम बी, जिसको मैंने म्यूडैश कह दिया, इसलिए वाई डबल डॉट बराबर म्यूडैश वाई। ये भी एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। इस प्रकार से ओ ए दिशा में कण की गति सरल आवर्त गति होगी, जो कि डोरी ओ बी में तनाव बल के कारण होगी, जिसका समीकरण दो है, तथा आवर्तकाल इसका जो होगा वो होगा 2π√μds, और इसका मान आ गया ये, क्योंकि आधा दोलन ओ ए डोरी में विस्तार के कारण से है और आधा दोलन ओ बी डोरी में विस्तार के कारण से है, अतः उस द्वारा ओ ए दिशा में जो तनाव बल के कारण से ओ बी डोरी में तनाव बल, उसके कारण से लिया गया समय इस आवर्तकाल का आधा होगा, परंतु कण का ओ के दक्षिण दिशा में एक ही तरफ में आधा दोलन होगा जो कि ओ बी डोरी में तनाव बल के कारण होगा, और इसलिए कण द्वारा लिया गया समय कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए डैश तक और पुनः ए डैश से ओ तक का समय वह हो गया पाई रूट एम बी अपॉन लेमडा। और इसी प्रकार से उस साइड में बी से लेकर के ओ तक का समय और पुनः ओ से बी तक का समय, ये जो आवर्तकाल निकाला था हमने पीछे जो डोरी की जो सरल आवर्त गति का समीकरण है उससे हम आवर्तकाल निकालेंगे, उसका आधा करेंगे तो वो आएगा पाई रूट एम ए अपॉन लेमडा, और दोनों को हमने जोड़ दिया, अतः संपूर्ण एक दोलन का समय ये आवर्तकाल आधा दोलन का, ये आवर्तकाल के आधा 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 आवर्तकाल और आधा आवर्तकाल, आधा दोलन ओ ए डोरी में तनाव के कारण से होगा और उसका समय जो कण द्वारा लिया हुआ ये होगा, आधा ओ बी डोरी के कारण से होगा, समय लिया हुआ ये होगा, और इस प्रकार से संपूर्ण एक दोलन का समय दोनों को हमने जोड़ दिया तो यह आ गया, और यही सिद्ध करना था। अब हमें यह सिद्ध करना है कि कण कुल ये जो दूरी दे रखी थी हमें, इस दूरी में होकर के दोलन करेगा, तो देखते हैं कितनी दूरी में होकर के कण दोलन करता है। एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, जो समीकरण है अपना उसको आगे हल करते हैं अपन, तो वी डी वी दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स, वी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन करने से इसका हो गया प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, परंतु बी पर जब शुरू के अंदर कण बी से रवाना होता है, वेग बराबर जीरो होता है, एक्स बराबर बी होता है, इस प्रकार से सी का मान निकाल करके हमने पुट कर दिया। हम ये क्या निकालना चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं जैसे ही कण बी से चल करके ओ पर पहुंचता है तो ओ पर उसका वेग कितना होता है, ये वेग निकालना चाहते हैं, ताकि उसके कारण से ओ से ए डैश तक की दूरी निकाल सकें, कि उसमें इनिशियल कंडीशन जो है जो ओ पर वेग वी जीरो होगा, उससे हम कण की गति जो होगी ए डैश तक जाएगी, ए डैश तक वापस वेग जीरो हो जाएगा, उस दूरी में होकर के कण दोलन करेगा, वो दूरी निकालने के लिए हमें ओ पर वेग निकालना पड़ेगा, परंतु ओ पर एक्स बराबर जीरो, इसलिए वी बराबर वी जीरो है या वी ओ है, तो वी जीरो दिस इज इक्वल टू, इसमें एक्स बराबर जीरो रखने से आ गया बी रूट म्यू। पुनः ओ बी दिशा में गति के लिए समीकरण दो को हम काम में लें, कि ओ से जैसे ही एक ही तरफ कण बढ़ेगा, ओ ए दिशा में ओ बी दिशा में गति के लिए ओ से जैसे ही कण आगे बढ़ेगा, ये ओ से जैसे ही कण इस साइड में बढ़ेगा ओ ए दिशा में, तो ओ ए दिशा में अब जो कण की गति होगी उसके लिए हम आगे देखते हैं, तो ये ओ ए दिशा है, कण की गति के लिए समीकरण दो लिया हमने, वाई डबल डैश वाई डबल डॉट इज दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू डैश इंटू वाई, और इसको हमने सोल्व किया तो वी पर कण का वेग वी जीरो है और वाई बराबर जीरो है, इससे सीवन का मान आ गया, हमने वापस पुट कर दिया, सीवन का मान निकाल करके पुट किया, तो देखिए सबसे पहले वाई बराबर जीरो है, वी बराबर वी जीरो है ऊपर, और ये कंडीशन हमने रखी वाई बराबर तो जीरो, वी बराबर वी जीरो, तो सीवन बराबर आ गया कि वी जीरो स्क्वायर बाई टू, और वापस हमने जिसका मान हम निकाल चुके हैं बी रूट म्यू, और ये मान इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास सी वन का मान आ गया, और सी वन का मान हमने वापस रख दिया तो ये समीकरण आ गया। हमें तो ओ ए डैश, जहां ए डैश पर जाकर के कण का वेग शून्य होता है, दूरी चाहिए, ए डैश पर कण का वेग शून्य हो जाता है, और इसलिए वी बराबर हमने जीरो कर दिया, और मान लीजिए उस समय दूरी एल है तो वाई बराबर ओ ए डैश बराबर एल है, तो वाई की जगह हमने एल रख दिया, तो अब इससे एल का मान निकल गया, एल स्क्वायर इक्वल टू म्यू पॉन म्यू डैश इंटू बी स्क्वायर, देयरफॉर एल दिस इज इक्वल टू रूट के बाहर आ गया बी रूट म्यू पॉन म्यू डैश, म्यू और म्यू डैश के मान पुट कर दिए तो इसका मान आ गया बी रूट बी अपॉन रूट ए।
अब कण कुल कितनी दूरी में होकर दोलन करेगा, बी से चल करके ओ तक आएगा और ओ से चल करके ए डैश तक जाएगा, तो कण द्वारा कुल कितनी दूरी में दोलन होगा, बी ओ और प्लस ओ ए डैश, बी ओ और प्लस ओ ए डैश, बी ओ बराबर तो बी है और ओ ए डैश बराबर एल हमने मानी है, एल का हमने मान निकाल लिया, इसमें बी रूट बी अपॉन रूट ए रख दिया, बी कॉमन ले लिया और अब नीचे लघुतम लेंगे, नीचे रूट ए आ जाएगा, यहाँ रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, तो बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए, अतः कुण कुल बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए दूरी में होकर कण दोलन करेगा, और यही सिद्ध करना था। थैंक यू।